बच्चन उनकी अगली फिल्म कॉमन मैन में निभा रहे हैं एक आम आदमी का किरदार जिसके पास कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स हैं और इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे शिरीष कुंदर। विद्या बालन उनकी फिल्म द डर्टी पिक्चर का प्रमोशन करने टीवी रियलिटी शो बिग बॉस के सेट पर रेड साड़ी पहनकर आई थी और अब विद्या की इस साड़ी को टीवी एक्ट्रेस मृणाल देशराज किसी भी कीमत पर खरीदना चाहती हैं, जिसके लिए वो 90,000 रुपए देने के लिए भी तैयार हैं। सीरियल किसर इमरान हाशमी को एक कॉन्डम ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए काफी बड़ी रकम ऑफर की गई थी, लेकिन इमरान ने इस ऑफर को कर दिया रिजेक्ट as he doesn't want to be a part of a campaign that's overtly sexual in nature. नेहा धूपिया उनके करियर के शुरुआत में बोल्ड रोल्स के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब नेहा को इस बात की खुशी है कि उन्होंने अपना ये इमेज बदल दिया है। नेहा ने कई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्म्स की, जैसे दासविदानिया, फंस गए रे ओबामा, गांधी टू हिटलर, और अब फिल्म मेकर्स नेहा को सीरियसली ले रहे हैं। फरहान अख्तर उनकी अगली फिल्म भाग मिल्खा भाग में निभा रहे हैं इंडियन एथलीट मिल्खा सिंह का किरदार और उनकी तरह फिट दिखने के लिए फरहान इन दिनों जमकर एक्सरसाइज कर रहे हैं। वैसे इस फिल्म की शूटिंग मार्च 2012 से शुरू हो जाएगी।